नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लॉथ ड्रायर हैंगर जो होता है इसको किस तरीके से लगाया जाता है इसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि इसको जब भी लगाने की बारी आती है तो इसके साथ जो फिटिंग आती है एक व्हील और दो व्हील वो किस तरीके से लगेगी, कौन सी रस्सी कहाँ से निकलेगी, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो ये सारी की सारी कन्फ्यूजन आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस तरीके का हैंगर आप खुद से लगा पाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें रोप कौन सी यूज़ की जाती है। जो मैं इसको रेडीमेड लाया था तब इसके साथ कुछ ये वाली रोप थी, तो ये कुछ धूप से ख़राब हो चुकी हैं, तो मैं अब इसके बाद इससे कुछ अच्छी क्वालिटी की ये वाली रोप ली है जो कि डी मार्ट से 75 रुपीज़ में मुझे मिल गई है, 20 मीटर यानी कि करीब करीब 60 फुट के समथिंग, तो काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी मुझे लगी, इसके लिए मैंने इसको परचेज किया। अब देखना ये रहेगा कि इसको लगाने के बाद ये व्हील में अच्छे से चलती हैं या फिर नहीं, बट मुझे इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगी इसके लिए मैंने इसको परचेज कर लिया। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं वापस टॉपिक के ऊपर, इसको किस तरीके से लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ पाए, और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को अब शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो ये आप देख रहे हो ये हैंगिंग जो रोप मैंने लगाई है इसको किस तरीके से लगाया। इधर गांठ बांधने के बाद इसको यहाँ तक जाने दिया और ऐसे घुमा के फिर मैं इसको इस साइड लेके आ गया, फिर यहाँ से घुमा के इस साइड लेके आ गया और वहाँ पे जाके इसको इधर गांठ बांध दी, और इस साइड भी मैंने इसी तरीके से किया, वहाँ से चालू किया, ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमा के और इधर लेके उसको गांठ बांध दिया। तो इस तरीके से मैंने जो इसके ये आप छो ये रस्सी देख पा रहे हो ये वाली, इसको मैंने कुछ इस तरीके से लगाए हैं। इसमें कुछ भी समझने की बात नहीं, ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है। अब ये जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी कुछ नहीं, यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके का ये हुक दिया हुआ है, इस हुक में मैंने एक गांठ यहाँ पे बांधी, दूसरी गांठ यहाँ पे बांधी और एक बीच में यहाँ पे एक मैंने गांठ बांधी, और सेम इसी तरीके से मैंने उस साइड भी किया है। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी कलाकारी नहीं है, ये एकदम सिंपल है। तो अब देखते हैं कि कलाकारी है किसमें। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस साइड से आप इस हैंगर को ऑपरेट करने वाले हो उस साइड में आपको इस तरीके का खोक लगाना पड़ता है, और उसी साइड में आपको जो डबल वाले व्हील वाला सॉकेट है यानी कि जो डबल व्हील है वो वाला लगाना होता है, और दूसरी साइड आपको सिंगल व्हील लगा देना होता है। तो आपको पता चल गया है कि डबल व्हील किस साइड लगाना है और सिंगल व्हील किस साइड लगाना है। डबल व्हील हम उस साइड लगाएंगे जिस साइड से हमको ऑपरेट करना है, तो ये आपको खास ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको इस तरीके से व्हील लगा देना है। तो जो वो हैंगर है वो यहाँ पर लगने वाला है, ऑलरेडी यहाँ पर बिल्डर ने फिट करके दिया है, तो यहाँ पर हुक वगैरह ऑलरेडी लगे हुए ही हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये दो व्हील हैं और इस साइड एक व्हील है। अब हमको जो ये हमने ये वाले हुक बनाए हैं इसमें क्या होगा कि एक रस्सी बड़ी लगेगी और एक रस्सी छोटी लगेगी। अब वो छोटी और बड़ी क्यों लगेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो छोटी रस्सी होगी, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डबल व्हील है, तो एक व्हील में से यहीं से निकल कर यहाँ तक आ जाएगी, और जो बड़ी रस्सी है वो उस व्हील में से निकलेगी, फिर यहाँ के एक व्हील में से होके फिर इस साइड नीचे आएगी। तो इसके लिए एक छोटी रस्सी होती है और एक बड़ी रस्सी होती है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी भी अगर कन्फ्यूज़न कुछ लगती है तो यही सेम वीडियो में 3D एनिमेशन में बना के हमारे एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ कारपेंट्री, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी का वीडियो मैं 3D एनिमेशन भी बना के वहाँ पर अपलोड जल्द ही करने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। कुछ इस तरीके से हमने इस रस्सी को लगाया है, तो ये वाली छोटी रस्सी है और वो वाली बड़ी रस्सी है। अब आपको क्या करना है कि जो छोटी रस्सी है वो डबल व्हील जिस साइड में है उस साइड में ये छोटी रस्सी रहेगी, और जो बड़ी रस्सी है वो सिंगल वाला व्हील हमने जिस साइड लगाया है उस साइड में रहेगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने जो बड़ी रस्सी है उसको किस तरीके से एक व्हील से दूसरे व्हील में निकाल दी है, ये हमने इसको यहाँ से फंसा के इधर से घुसा के इस साइड से इस तरीके से निकाल दी है। आप देख सकते हो ये
जो बड़ी रस्सी थी वो सिंगल व्हील में से होके डबल व्हील के किसी भी एक व्हील से होके निकलती है। अब मैं इस छोटी रस्सी जो है उसको भी यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको पूरा इंस्टॉल कर दिया है, बट आपको अभी समझाना बाकी है। तो दोस्तों अब मैं आपको अच्छे से यहाँ पर एक बार फिर से समझा देता हूँ। जिस साइड हैंडल आने वाला है, हैंडल हम इसको कहेंगे, क्योंकि इससे हम इसको ऊपर नीचे ले सकते हैं। देख सकते हो इसको हम इस तरीके से ऊपर नीचे ले सकते हैं। तो जिस साइड में हैंडल होता है उस साइड में हमने डबल व्हील लगाया था। तो हमने डबल व्हील साइड में छोटी रस्सी ली थी, और सिंगल व्हील यानी कि ये सिंगल व्हील जिस साइड में हमने लगाया था उस साइड में हमने बड़ी रस्सी ली थी। तो बड़ी रस्सी को हमने कुछ इस तरीके से लगा के सिंगल व्हील में से निकाला, और फिर डबल व्हील में से होके उसको, ये वाला वही रस्सी है, डबल व्हील में से होके उसको निकाल दिया। तो फिर हमारा एक साइड से यह हैंग हो चुका था। उसके बाद हमने क्या किया, जो ये छोटी रस्सी है दूसरे साइड वाली रस्सी को हमने सिर्फ डबल व्हील के अंदर की साइड से निकाल के उस साइड बाहर निकाल दिया, और फिर दोनों रस्सी को एक साथ मिला के यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से गांठ बांध दी। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा हैंग कर दिया। अब हमने यह गांठ क्यों बांधी, अभी इस गांठ की वजह से ये पूरा यहाँ पर लो हाइट पर अभी है, यहाँ पर हम आसानी से कपड़े जो है लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हमको थोड़ा और ऊपर चाहिए तो ये इसको हम इस तरीके से नीचे लेंगे और सेकंड वाली गांठ के अंदर इस हुक को फंसा देंगे। तो इसकी हाइट अब थोड़ी बढ़ गई है, तो अब हम इस हाइट पर भी इसको आसानी से, अगर कपड़े हमको यहाँ पर सुखाने तो सुखा के फिर इसको ऊपर खींच सकते हैं। अब फाइनली अगर हमको पूरा ऊपर ले जाना है तो इस रस्सी को इस तरीके से हम फिर से खींचेंगे और इस गांठ में हम इस तरीके से इसको फंसा देंगे। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट पर चला गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जिस साइड हैंडल आएगा उस साइड डबल व्हील लगेगा, दूसरी साइड सिंगल व्हील लगेगा, और सिंगल व्हील साइड हम बड़ी रस्सी लगाएंगे जो कि सिंगल व्हील में से होके निकलेगी, डबल व्हील में से भी होके निकलेगी और हैंडल की साइड आ जाएगी। और दूसरी साइड जहाँ पर डबल व्हील है उस साइड हम छोटी रस्सी लेंगे जो सिर्फ डबल व्हील में से ही होके निकलेगी और हैंडल के साथ अटैच हो जाएगी, और इस तरीके का एक हुक लगाएंगे और हम अपने इच्छा अनुसार यह गांठ लगा सकते हैं हमको जिस हाइट पर इसको रखना है। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।